नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। 17वें राष्ट्रपति को लेकर चुनाव होने वाले हैं। 18 जुलाई को मतदान होंगे, वहीं 21 जुलाई को देश का नया राष्ट्रपति मिलेगा। लेकिन आज हम आपको बता देते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है आखिर होता कैसे है और राष्ट्रपति चुनाव में बिहार की भूमिका क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती है। दरअसल बिहार जिधर जाएगा वही राष्ट्रपति बनेगा। आपको बता देते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में है। ये कहा जा रहा है कि भाजपा का कोई भी उम्मीदवार अगर राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी करता है तो वो आसानी से चुनाव जीत सकता है। इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो है कि 17 राज्यों में भाजपा की सरकार है। बहुमत के लिए 5,43,216 वोटों की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में यह जो आंकड़ा है उसे भाजपा आसानी से पा सकता है। दरअसल इस चुनाव में जनता सीधे तौर पर राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। दरअसल इस चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के जो सदस्य हैं वो मतदान करते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो बिहार की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के पास 81,687 मत है। क्योंकि राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से विधायकों का मत क्या होगा, मत का संख्या क्या होगा, यह तय होता है। तो बिहार के एक विधायक बराबर 173 मत होता है, यानी कि एक विधायक अगर राष्ट्रपति को वोट करता है तो उसे राष्ट्रपति को 173 वोट मिलते हैं। तो इस हिसाब से बिहार के विधायकों का जो वोट है वो है 42,039। वहीं अगर एक सांसद की बात करें, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो या फिर लोकसभा के सांसद हो, वो पूरे देश के जनसंख्या के हिसाब से उनका तय होता है। तो ऐसे में सांसदों के मत का जो वैल्यू है वो 708 होता है। तो इस हिसाब से बिहार में 39,648 मत सांसदों के पास है। अब आपको हम पार्टी वाइज बता देते हैं कि किस पार्टी के पास बिहार में कितने मत हैं। तो भाजपा के पास सबसे अधिक मत है। भाजपा के सांसदों और विधायकों की संख्या को अगर मिला दिया जाए तो इनके पास 28,189 मत हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जदयू पार्टी है, जदयू के पास 23,361 मत है। वहीं तीसरे नंबर पर राजद है, राजद के पास 15,980 मत है। कांग्रेस के पास 4,703 मत है। वहीं CPI-ML के पास 2,076 मत है। CPI के पास 346 मत है। CPI-M के पास 346 मत है। वहीं AIMIM के पास 865 मत है। उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 692 मत है और निर्दलीय के पास 173 मत है। अगर बात करें कि जो गठबंधन है, मतलब बिहार NDA के पास कितना मत होता है और विपक्ष के पास कितना मत होता है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो NDA के पास 52,252 मत है और विपक्ष के पास 25,970 मत है। हालांकि इस चुनाव में पार्टी के द्वारा व्हिप लागू नहीं होता है, यानी कि यह तय नहीं होता है कि जो भाजपा के विधायक हैं वो भाजपा के उम्मीदवार को ही मत देंगे। यहाँ पर जो विधायक सांसद हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो अपने हिसाब से अपने उम्मीदवार को पसंद कर सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है कि बिहार आखिर अपना समर्थन किसे देगा, बिहार NDA आखिर अपना समर्थन किसे देगा। अब इस बात को लेकर बहुत चर्चा तेज है कि आखिर भाजपा किसे अपना उम्मीदवार बनाएगा। आपकी बिहार की भूमिका क्यों अधिक है ये भी आपको बता ही दे रहे हैं, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा रामनाथ कोविंद जो कि अभी राष्ट्रपति हैं और इनका कार्यकाल जो है वो 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। तो यह जब बिहार के राज्यपाल थे तभी इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार की भूमिका है। इसके अलावा अब ये चर्चा हो रही है कि आखिर भाजपा किसे उम्मीदवार बनाएगा, क्योंकि ये लगभग कंफर्म हो गया है कि भाजपा जिसे भी अपना उम्मीदवार बनाएगा वो आसानी से चुनाव जीतेगा और भारत का अगला राष्ट्रपति बनेगा। तो कहा जा रहा है कि भाजपा जिस तरह से पिछले चुनाव में चौंका देने वाले नाम घोषित किए थे उसी तरह से इस बार भी भाजपा कोई कुछ अलग करने वाली है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि अभी भाजपा का जो सबसे अधिक ध्यान है
वो दलित और महादलितों पर है, क्योंकि रामनाथ कोविंद भी दलित समाज से आते हैं। तो भाजपा कहीं ना कहीं दलितों को ये मैसेज देना चाहती है कि वो उनके साथ है। तो ऐसे में भाजपा किसी दलित समुदाय से या फिर आदिवासी समुदाय से उम्मीदवार घोषित कर सकता है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि दक्षिण में भाजपा चाहती है कि उसकी पकड़ मजबूत हो, तो ऐसे में कोई दक्षिण से राष्ट्रपति बन सकता है या फिर उपराष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर भी चर्चा है, और दो नाम भी चल रहे हैं, केरल के एक राज्यपाल हैं और एक और नाम चल रहा है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय से किसी को राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इसके अलावा पंजाब को लेकर भी चर्चा चल रही है, जिस तरह से पंजाब में भाजपा अटैकिंग मूड में राजनीति कर रही है और सिखों में पकड़ बनाने की कोशिश हो रही है, तो कोई कोई सिख धर्म से भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन सकता है। हालांकि ये देखना होगा कि भाजपा आखिर किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। वहीं ये भी देखना होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष कितना एकजुट नज़र आता है, विपक्ष किसे अपना उम्मीदवार बनाता है, और बिहार की भूमिका क्या होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या बिहार NDA राष्ट्रपति चुनाव में एकजुट रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से बिहार NDA में लगातार टकराव की खबरें सामने आती है, जदयू बनाम भाजपा की लड़ाई देखने को मिलता है, तो ऐसे में यह तय करना होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में जनता दल यूनाइटेड किसे समर्थन करती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।